हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर तारीख मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय दिया है तमिलनाडु सरकार को जवाब फाइल करने के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप की तरफ से जो अमेंडेड पिटीशन, अमेंडेड याचिका, संशोधित याचिका जो फाइल होनी थी वो कल फाइल हो पाई। थोड़ी टीम की कमजोरी रही जिसकी वजह से कल फाइल हो पाई। पहले से फाइल हो जाती तो तमिलनाडु सरकार का जवाब भी आ जाता और आज अपेक्षित कार्रवाई हो पाती, लेकिन कल फाइल होने की वजह से अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई थी, दो नंबर था पहले तो पास ओवर हो गया, फिर उसके बाद जब दोबारा लंच के बाद उसको मेंशन किया गया तब वहाँ पर आदरणीय कपिल सिब्बल जी के जूनियर एडवोकेट ने आके बताया कि इसमें कल हमें कॉपी मिली है, अब हमें इस पर काउंटर एफिडेविट फाइल करना है और काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए हमें समय चाहिए और इस आधार पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय दिया है, 8 मई के लिए टाइम दिया है कि 8 मई को इस पर आगे सुनवाई करेंगे जिस आधार पर पूरी बात सामने सामने आ सके। हमारी यही है कि NSA ख़त्म होना चाहिए, NSA हटे और सारे केस क्लब हों और उसको इंटरिम बेल मिले जिससे कि वो अपने घर पहुंच सके, राहत मिल सके। मदुरई में है, तमिलनाडु में है, भाषा भी अलग है, खाना पीना भी अलग है एक बात, और वो ऐसे मामले में अंदर है जो हिंदी भाषा को लेके आंदोलन हुआ, हिंदी भाषा को लेके सारा संघर्ष हुआ था, हिंदी भाषी लोगों के साथ तमिलनाडु में जो कुछ घटना दुर्घटना हुई उस पर था, उसी मामले पे केस बना, उसी मामले पे ट्वीट हुआ, उसी मामले को अखबारों और टीवी ने छापा, उसी आधार पर बनाया गया, इसलिए उसे तमिलनाडु से, मदुरई से बिहार लाया जाए और उसको एंटरिम बेल दी जाए और मनीष कश्यप से रासुका हटे, NSA हटे जिससे कि मूल अधिकारों का हनन रोका जा सके। NSA एक सैनिक के पुत्र का, एक सैनिक के बेटे का, एक सैनिक क्या खुद का खून क्या इतना ख़राब हो जाएगा कि उसका बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए? एक पत्रकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार जो भी ऐसा कर रही है, अगर बदले की भावना से कर रही तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी अच्छे सुलझे हुए युवा है, उन्हें भी अपनी विचारधारा में बदलाव और परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु सरकार तो कह रही है कि भाई इन्होंने दो राज्यों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की थी प्रवासी मजदूर को, ये कहा गया कि वहाँ फांसी लगा के मारा गया, पीट के मारा गया। ये मनीष कश्यप ही नहीं कह रहा है, ये दैनिक रिनाउंड हिंदी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, अमृत बाजार पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक प्रभात, अमर उजाला और कई नए न्यूज चैनल, उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने इस बात को खबर को दिखाया तब उसने कहा। और ये बात मनीष कश्यप ने भी कही, ये बात आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कही, अपने ट्वीट में भी कही, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर अखबार पढ़ के टीवी देख के अगर कोई बोलता है तो ये गलत कहाँ है। लेकिन सवाल ये हो रहा है ना कि मनीष कश्यप ने बाद में चेतावनी दी कि सरकार गिरा देंगे, ये बहुत गलत है। इसी की तो सजा भुगत रहा है और क्या। अच्छा, इसी बात की वो सजा भुगत रहा है, उसे क्या हक था सरकार गिरा देने की? वो कौन होता है सरकार गिरा देने वाला? अच्छा। वो क्या है? खुद MLA नहीं बन पाया, 10,000 वोट लेके सरकार गिराएगा? अच्छा। किसी की 180 दिन में सरकार गिराएगा? मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा? पत्रकार कोई बोलता है? आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खड़े हैं, यहाँ सरकारें गिरती भी हैं और सरकारें संभलती भी हैं, सरकारें बचती भी हैं और सरकारें धाराशाही भी होती हैं, लेकिन यहाँ के पत्रकार तो कोई नहीं बोलते ऐसा कि सरकार गिरा देंगे। ये तो नहीं वादा करते, ये तो नहीं अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो सरकार गिराना, अब आप उसको बोल रहे हैं सरकार जो उप मुख्यमंत्री है, जिसकी माता जी मुख्यमंत्री रहीं, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिसके पिताजी रेल मंत्री रहे, भाई मंत्री है, बहन सांसद, तो फिर उसको क्या गिरा देंगे? लेकिन तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, उसके बचपने उसमें ये अतिशय था, विश्वास था, और विश्वास हमें तो यही लगता है उसको तेजस्वी यादव पे बहुत भरोसा था, बहुत विकट भरोसा रहा होगा कि हमारे हमारा नेता है, हमारा ये है वो है और इसीलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक सवाल सर बहुत ज़्यादा उछल रहा है कि बोला जाता है कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है सर, जिस तरह से कोर्ट में खुद बोले हैं वकील, हाँ बिहार सरकार ने कहा, हाँ सर बहुत चुनाव लड़ चुका है। अब देखो, चुनाव लड़ना अपराध है, तो अगर चुनाव लड़ना अपराध है मनीष कश्यप ने किया, अगर यूट्यूब चलाना अपराध, बनाना अपराध है तो किया, अगर चलाना अपराध है तो किया। हाँ, चुनाव में कुछ गलत बात बोलना अपराध है, यूट्यूब चैनल पर गलत चीज़ चलाना, गलत कंटेंट चलाना, देश के खिलाफ कंटेंट चलाना, देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कंटेंट चलाना गलत है, हम भी कहते हैं गलत है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, चलो वो पत्रकार भी नहीं, वो नेता भी नहीं, वो सैनिक का भी पुत्र नहीं, क्या वो बिहार का नागरिक नहीं है?
क्या हमारा भारत का संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं है? क्या हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं बना है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोह जैसे कानून इस तरह के बदले की भावना से नहीं लगाए जाते हैं इस देश में? तो बदले की भावना में ऐसा नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी नीतीश जी को 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं मोदी जी के टक्कर में, 2024 के लिए करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन उसमें ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काटना चाहिए। उसने बोला है गलत, लेकिन भाव गलत नहीं रहा होगा। उसने ऐसा कहा है गलत, उत्तेजना में कह दिया, अति आवेश में कह दिया, उसकी सजा कितनी दोगे आप? इतने दिन से तो जेल में है। बहुत लोगों ने माफ़ी मांगी थी, मनीष कश्यप माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे थे? अपने मौके को समझाते क्यों नहीं आप? अब बेल होगी तभी तो माफ़ी मांगेगा। अब तमिलनाडु की तमिल भाषा में माफ़ी भी मांग ले तो क्या समझेंगे वहाँ वाले? हिंदी भाषा वो समझते नहीं है, वो कहते आई डोंट नो हिंदी। अब वो हिंदी में ही माफ़ी मांगेगा? वो तो बिहार का बेटा है, वो इंग्लिश अगर बोलता, इंग्लिश में विश्वास रखता, तो वो भी अपने मम्मी पापा को लेके विदेश में सेटल हो गया होता। बिहार के लोग बहुत देश दुनिया में, वो भी चला जाता। अब उससे बिहार से प्यार है, बिहार की मिट्टी में जिया है, बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ है, बिहार की मिट्टी में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ है और बिहार की मिट्टी में मरना चाहता है। ये मनीष कश्यप तो कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं है, चाहे जितना ये लोग सजा दे दें। आपकी बात हुई थी उससे तमिलनाडु में? नहीं नहीं, उसमें वीडियो में दिया होगा। अब यही अगर ऐसा कह रहा है तो ये भी कोई झुकने वाली बात नहीं है, ना टूटने वाली। जो झुक गया होगा किसी के सामने, उसका यकीनन कद आपसे बड़ा हो जाता है। झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता है, वो बड़ा हो जाता है। आपने देखा डिफामेशन केस में केजरीवाल ने कितने केसों में माफ़ी मांगी? बहुत केसों में। बरी हो गए, खत्म हो गए, उसमें झुकना क्या है? आप राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लिए बात कर रहे हैं, वो सत्ता में हैं, आप आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, आप आम नागरिक आम आदमी रह के रहिए। वहाँ झुकने टूटने की बात कहाँ से आ गई है? वहाँ से इस तरह की क्या बात आ गई? आप पर 8 केस हैं पहले से, है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड, बोला गया यहीं सुप्रीम कोर्ट में, और देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई कर रही है। अब इसमें वो तो, और उससे तो ऊपर कहाँ जाएंगे हम? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो जाने वाला मामला है नहीं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएँ हम इसको लेके। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, फिर इसमें क्या कोई बात नहीं? और उन्होंने ही तारीख दी है, उन्होंने डेट दी है, अर्जेंट क्या है? ये भी कहा कि मैं पहला पत्रकार हूँ जिसके ऊपर एनएसए लगा है और इस तरह से ले जाया जा रहा है, इनको सजा मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर अब इनके वकील? उन्हें पता एनएसए कब बनी? उन्हें यही नहीं पता एनएसए कब बनी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना कब है। ये बातें अतिशोक्ति में ऐसे नहीं करना चाहिए। इस देश में पता नहीं कितने राजनेताओं पर रासुका लगी। संत रामपाल दास जी महाराज, मैंने केस लड़ा 950 लोगों पर, राजद्रोह केस लगा 950 फॉलोअर्स पर, हमने लड़ा, सब में बेल कराई, बाहर कराए, न्याय मिला। राजद्रोह केस कितने लोगों पे लगता है? अच्छा, आपने देखा था रिपब्लिक के पत्रकार को घर पे उठा के कैसे पकड़ खींच के लाए थे अर्णब गोस्वामी, देखा था ना आपने? लेकिन उसकी गलती ये है कि वो सरेंडर हो गया जाके थाने में, उसे कोर्ट आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, भेल लगानी चाहिए थी, एंटीसिपेटरी, ये सब काम करने चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आज जूनियर वकील अपीयर हुए थे, तो क्या कपिल कामत जी अपीयर नहीं हुए थे? कपिल सिब्बल जी हर मामले में हम नहीं पेश होते हैं, हर मामले में वो नहीं पेश होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, हम लोग लगातार साथ साथ थे, जहाँ जैसी ज़रूरत थी, कोई छोटी बात होती है तो और एडवोकेट करते हैं, उन्हें भी तो सीखने का अवसर मिलना चाहिए था। इस केस में भी लोग सीख रहे हैं, इसमें भी सब सीख रहे हैं, सबको अवसर मिलते हैं सीखने के, सीखना चाहिए, सब सीखें बढ़ें। अब 8 मई की डेट दी है और निश्चित तौर पर हमें भरोसा है कि 8 मई को न्याय होगा और इस मामले की सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद उनके काउंटर पर जो देंगी तमिलनाडु सरकार, उसको गौर करते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर एनएसए ख़त्म करेंगे, इंटरिम बेल देंगे और सारे केसों को क्लब करेंगे। चलिए, थैंक यू।